हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो इस वीडियो को समझने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं पाठशाला। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो या मास्टर्स कर रहे हो, आप एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं बिजनेस यानी पैसा इन्वेस्ट, और हमारे पास 10 लाख 20 लाख तो नहीं है कि हम बिजनेस स्टार्ट कर पाए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और आपको 5 टिप्स देने वाला हूं जो आपको मदद करेगा एक नए बिजनेस शुरू करने में। बिगेस्ट बिजनेसमैन वॉरेन बफेट का कहना है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू अर्न मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वॉक अंटिल यू डाई। यानी अगर आप सोते वक्त पैसा नहीं कमाते तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। एक बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी टीम। एक बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले चाहिए आपका हिम्मत और रिस्क लेने का जज्बा। इससे आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे। आप डिसाइड कैसे करोगे आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए? सबसे पहले आप ये देखो जहाँ आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। फूड, क्लोथ्स, ग्रोसरीज, ये आपको फाइंड करना है। आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस शुरू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप फूड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर चाय, कॉफी, स्नैक्स, ऑफिस फूड डिलीवरी। आप घर पे खाना बना के डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस में डिलीवर कर सकते हैं। फिर ग्रोसरीज, पेट्स, आजकल हर कोई कुत्ते या बिल्ली पालना पसंद करते हैं, तो आजकल ये भी एक बिजनेस है। प्रिंटिंग क्लोथ्स, ऑनलाइन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग, आज इस फील्ड पे भी लोग लाखों कमा रहे हैं। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो गया, जैसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां आप आराम से बड़े मार्जिन पे पैसा कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, तो मैं ऐसे बिजनेस क्यों करूं? तो आपको बता दूं, अपना बिजनेस आखिर अपना ही होता है। यहां आप खुद के मालिक होते हैं तो आपका एफर्ट भी 300 गुना बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, एक गलती बहुत लोग करते हैं, वो जॉब छोड़ के एक नया बिजनेस, एक नया स्टार्टअप खोलते हैं। आप ये गलती मत करना। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं तो आप वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक नया बिजनेस ओपन करने के बाद आपको फोकस रहना होगा। अगर आपका फोकस इधर उधर गया तो प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप जॉब के साथ साथ बिजनेस को मैनेज कर पाए तो मोस्ट वेलकम। आपसे एक कंपनी लाखों रुपए कमाने के बाद फिर आपको सैलरी देता है, तो वही एफर्ट आप अपने बिजनेस पे क्यों नहीं लगाते? अब मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप एक नया बिजनेस शुरू कर पाएंगे। पहला, एक बढ़िया बिजनेस आइडिया। आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसका एक आइडिया आपको सोचना है। दूसरा, आपको प्लान बनाना है। प्लान यानी आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कहाँ शुरू कर सकते हैं, डिमांड ज्यादा कहाँ है, और ऐसा क्या बेचे जिससे आपका बिजनेस लोगों तक पहुँच जाए। तीसरा, अपने स्टार्टअप का एक बढ़िया नाम दो। चौथा, मार्केट को ऑब्जर्व करो, रिसर्च करो, अभी ऐसा क्या है जो लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। पांचवा, अपने बिजनेस को रजिस्टर करो। फ्रेंड्स, बहुत लोग ये सोच के अपना स्टार्टअप शुरू नहीं करते हैं, उनको डर लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। जब तक आप डर के काम करोगे तब तक आपका काम सही नहीं होगा, उल्टा आपके काम लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन जो आपने सीखा है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। बिजनेस ग्रो हो या ना हो, आपको उस बिजनेस से जो सीख मिलेगी वो लाखों करोड़ों की होगी। नेक्स्ट टाइम और प्रिपरेशन के साथ शुरू करना। आइडिया बहुत सारे हैं, बस आपको ढूंढना है। फ्रेंड्स, इंडिया में पैसा बहुत है, बस देखने की नजर चाहिए। तो बस आप प्लान बनाओ और शुरू हो जाओ। हारने जीतने के बारे में बाद में सोचना, और अगर हो सके तो लोगों को ऑब्जर्व करो, अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखो। उस तरीके से आप सोच सकते हैं जिससे आपको और भी आसानी होगा बिजनेस को एक्सपैंड करने में। आप सोचो कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप बेच के पैसा कमा सकते हैं। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताना, और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ। अगर कोई एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है बिजनेस रिलेटेड, या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करना ना भूलें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचे। फिर मिलते हैं एक मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद।